मैं प्रदीप कुमार मिश्र, प्रोफेसर केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी बीएचयू, और आज हमारे साथ दो हमारे मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं कानपुर में। पहले अरविंद त्रिपाठी जी हैं, आपका स्वागत है, और अनिल सिंदूर जी भी हैं हमारे बीच। आप दोनों पत्रकार हैं, आप दोनों सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप दोनों ने कानपुर को जिया है और कानपुर में गंगा को जिया है, और आज हम यहाँ बैठे हैं उनके साथ बात करने के लिए कि क्या मुख्य कारण है कि गंगा दिन पर दिन एक तरह से विलुप्त होती जा रही है। वैसे तो भारत की सारी नदियाँ एक तरह से विलुप्तता की कगार पे हैं, हर नदियों का कुछ न कुछ डिग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन गंगा यमुना जैसी जो महान नदियाँ थी, जो भारत की जीवनधारा थी, उस पर भी ग्रहण लग गया है। हम क्या देखते हैं कि कानपुर से इलाहाबाद तक तो गंगा में जल ही नहीं है, अगर जल है तो वो या तो अवजल है या तो मलजल है, या तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है या इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है। तो मैं पहले अरविंद जी से बात करूंगा कि पिछले इतने दिनों में गंगा की समस्या शायद गणेश शंकर विद्यार्थी ने पहली बार उठाई थी जी 1927 से लेकर आज 2018 में, मतलब 91 साल हो गया, और गंगा की समस्या उठाने वाला इतना महान आदमी था, समय समय पर लोग आए, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। आप इस समस्या को किस रूप में देखते हैं? गंगा की जो समस्या है उसमें जन जुड़ाव एक बड़ी समस्या थी, उसकी ओनरशिप इस शहर के लोगों ने और आसपास के लोगों ने नहीं ली। गंगा से जुड़ा हुआ जो समुदाय, जिसकी आय का साधन गंगा थी, जिसकी पहचान गंगा थी, उसने उसकी ओनरशिप नहीं ली और वो खुद उससे दूर होता चला गया। जगह खाली हुई और बुरे लोगों ने गंगा के किनारे और गंगा पर कब्जा करना शुरू कर दिया। गंगा की खुद की ज़मीन गायब हो गई, गंगा की ज़मीन का चिन्हीकरण, सीमांकन ये नहीं हो पाया, प्लांटेशन गायब हो गया, इंडस्ट्रीज़ तेज़ी से बढ़ती चली गई। कानपुर और जो बाकी शहर हैं उनके बसावट में अंतर ये है कि कानपुर में औद्योगिक और जो शहरी विकास है, यानी घरेलू और औद्योगिक निवास, वो एक साथ साथ है, तो उसका जो वेस्ट है उसको हम लोग अलग अलग नहीं प्लान कर पाए, अलग अलग उसका कैसे निस्तारण किया जाए ये नहीं हो पाया। इसलिए भी कानपुर के सभी नालों और का एक साथ प्लान नहीं बन पाया। नहीं, आप अच्छी बात कर रहे हैं कि ऐसा प्लानिंग नहीं हुआ, हैपजर्ड प्लानिंग हुआ और सारे अवजल मलजल गंगा में गिरने लगे, ये तो एक और बात हुई। लेकिन अनिल जी, मैं आपको लाना चाहूँगा डिस्कशन में, लेकिन हमें गंगा में पानी दिखता ही नहीं। बिठूर बैराज के बाद अगर आप देखें तो गंगा में तो नाम मात्र का पानी है, और अगर मैं और आगे बढ़ूँ कौसाम्बी की तरफ, सिंगवेरपुर की तरफ, तो वहाँ रेत के सिवा दिखता नहीं कुछ, और यहाँ तक कि हिंदू भी अब अपने लाशों को शायद रेत में दफन करना शुरू कर दिए हैं। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? नदियों को रोकने का तमाम तरीके से काम किया गया, बीच में कहीं बैराज बना के, कहीं बांध बना के, कहीं डाइवर्ट करके, तो इस तरीके से पानी को स्थिर, जो सीधे चलना चाहिए था वो नहीं चलने दिया गया, उसमें तमाम बाधाएं उत्पन्न की गई, इससे भी नदी मरने की कगार पर आई। और हमें कम पानी लेना चाहिए, उससे जितना पानी लेना चाहिए उससे कहीं कई गुना ज़्यादा पानी हमने नदी का प्रयोग कर लिया, तो इसी वजह से जो है ना नदियों का जो स्वरूप था वो बिगड़ना शुरू। नहीं तो अब गंगा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें जी, तो हमें लगता है जैसे बहुत बात होती है टिहरी बांध की, जी जी ठीक है, बांध भरेगा पानी वहाँ से निकलेगा, लेकिन वो पानी के फ्लो को बहुत ज़्यादा कम नहीं करता, पानी के प्रॉपर्टी को, क्वालिटी को चेंज कर सकता है। लेकिन हमें लगता है, आप अपने विचार देंगे कि जो लोअर गंगा कैनाल, अपर गंगा कैनाल, जो मिडिल गंगा कैनाल, या इन्होंने पानी का इतना ज़्यादा शोधन, उसमें शोषण कर लिया, इतना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन कर लिया कि शायद मेन नदी में पानी नहीं बचा। बिल्कुल ठीक है आप। साथ ही साथ इनके पास खेतों को देने के लिए पानी नहीं बचता, तो उसमें जब भी बीच में नदियाँ जो भी जितनी भी आई उनको जो है ना उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया, और इतना ज़्यादा प्रयोग करना शुरू कर दिया कि सारी नहरें इन्हीं नदियों से निकालना शुरू कर दिया, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे बेतवा कैनाल है, या झांसी में जो जितनी भी बेतवा कैनाल निकाली गई, तो वहाँ वो बरसात के पानी को रोकते थे, लेकिन यहाँ ये पानी जो ऐसा था, जो लगातार बहने वाला पानी था, इसको भी उन्होंने लेना शुरू कर दिया, तो इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। तो एक प्रॉब्लम तो ये समझ में आती है कि जब नदी में पानी नहीं रहा, हाँ, तो आसपास के किसानों ने बोरवेल किए होंगे, बोरवेल किए और तालाब सूखे, तालाब फिर उसके बाद नदी सूखी, क्योंकि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का इंटरेक्शन कहीं बंद हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात, जब नदी में पानी नहीं चलता है, थोड़ा पानी रहता है, फ्लो नहीं रहता है, तो सिल्टिंग भी होती है, सिल्टिंग भी होती है। तो फिर ये कहने का मतलब जो ब्रीथ करती है नदी का तैलटी, जो सांस लेता है, जिसके थ्रू पानी आ सकता था, वो रास्ते भी हमने बंद कर दिया। तो ये तो तय हो गया, चाहे सरकारी नीतियां रही हो, चाहे पॉलिटिकल नीतियां रही हो, उसके कारण गंगा के फ्लो को हमने नष्ट किया। अब बची खुची बात रहेगी अरविंद जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा, कि उसके बाद
जो अंधाधुंध नाले आने शुरू हुए गंगा में, जिसे नदी ने एकदम प्रकृति चेंज कर दिया, उसमें औद्योगिक भी हुआ और आपके डोमेस्टिक भी हुआ सीवेज, आप किसको कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, नाले जितने भी तरीके के नाले हैं, ये सभी नाले मूलतः पर्यावरण के साथ बने हुए, यानी जो भूगर्भ की संरचना है उसके साथ साथ, यानी चुंबकीय धाराओं के साथ साथ नाले और नदियों का विकास हुआ हुआ है। दिक्कत यहाँ पर आई कि ये जो प्राकृतिक नाले थे, इनमें हमने शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट उसमें जोड़ दिया, जिससे वो एक ख़राब क्वालिटी का पानी उसमें जाने लगा। यानी जो बरसाती नाले थे, जो कभी नदी को रिचार्ज करते होंगे, वो नाले एक गलत इंजेक्शन के रूप में हो गए। तो नाले होने चाहिए थे, लेकिन नाले इस काम के लिए नहीं थे। अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसने बहुत क्रमबद्ध तरीके से जितने भी हमारे नाले थे, उन्होंने कोई भी शहरीकरण और विकास, औद्योगिकरण और शहरीकरण, दोनों काम अंग्रेज़ों ने ही हमें बताए, दिखाए, समझाए। और शहरों का जन्म गाँव के अतिरेक पर होता है। गाँव का सरप्लस है, नहीं होगा तो शहर नहीं रहेगा। और शहरों में औद्योगिकरण की शुरुआत के साथ साथ उसके वेस्ट का कोई प्रॉपर प्लान नहीं किया गया। अगर वो प्लान हमने शुरू से ही किया होता और इनमें हमने इन नालों में उसको जोड़ नहीं दिया होता, अगर हमने इन नालों का प्रबंधन किया होता तो नदियों का प्रबंधन आसानी से हो गया होता। दो बातें हैं, एक हमें नाला नीति बनानी चाहिए नदी नीति की जगह, दूसरी बात हमें इनमें और ज़्यादा कहने का मतलब मैं इसको दूसरे शब्द में कहूँ, थोड़ा टेक्निकल शब्दों में, तो आप वाटर सेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। किसी भी बड़ी नदी के लिए वाटर सेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कानपुर पे आ जाते हैं। जी, ये सारी समस्या तो हर शहरों में है, नदियों में है। कानपुर की जो सबसे बिकट समस्या है, जो हमें सुनाई देती है बाहर बैठा हर आदमी, कि वहाँ टैनरीज बहुत हैं और टैनरियों ने कानपुर के न तो सिर्फ गंगा के जल को बल्कि भू जल को भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर दिया और जहरीला कर दिया है। इसमें आप क्या सत्यता देखते हैं? और दूसरा, इस पर दोनों लोग इस पर बात करेंगे, क्या केवल उद्योग धंधे ही दोषी हैं कि हमारी सरकार और हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी दोषी है इस काम में? जो नियम बनाए गए उन नियमों को इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। इसके कारण जो है ना, जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो निकल रहा था, वो सारा का सारा बेतरतीब होता चला गया। उन्होंने यहाँ तक किया कि अंडरग्राउंड वाटर में अपना जो वेस्टेज था वो डालना शुरू कर दिया, और पर्यावरण ने ये देखा ही नहीं कि कहाँ जा रहा है इसका पानी। तो उससे जो पानी आ रहा था, जो हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, जो उनको खुद ट्रीटमेंट करना चाहिए था कंपनियों को, वो उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया और वो सीधे के सीधे नालियों में छोड़ दिया गया। मैं यहाँ पर एक करेक्ट करना चाहूँगा, जो हमारे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जी, मानक है जी, उसके हिसाब से टैनरीज को केवल अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट करना है और फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट करके वो ड्रेन के माध्यम से पूरा सीटीपी में भेजना है जी, 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 उसके लिए वो पैसा भी पे कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर उनकी गलती आप कहाँ देखते नहीं हैं? लेकिन प्राइमरी में जो होना चाहिए वो भी तो नहीं हो रहा है, उसको भी चलिए मान लीजिए प्राइमरी में नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो पानी सीटीपी में तो जा रहा है। हाँ, सीटीपी में उनकी तरफ से जा हाँ, रहा है हाँ। तो क्या आपको लगता है वो सीटीपी में सारा पानी जा रहा है, पूरा ट्रीट होके फिर वो गंगा में जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है। उसमें भी कोताही की जा रही है, उसमें भी तमाम अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के नाते उसको बहुत, अगर आ रहा है सब MLD आ रहा है तो उसमें से 50 MLD सीधे सीधे निकाल दिया गया। क्यों निकाल देते हैं? ये केवल जो है ना भ्रष्टाचार। वो क्या भ्रष्टाचार, कैसे भ्रष्टाचार, आप समझा पाएंगे इसको कैसे? उसमें क्या है, उसमें क्या है कि जो पानी का शोधन करना है उसके लिए जो जितना केमिकल उनको चाहिए, एक तो केमिकल की चोरी और दूसरी जितने घंटे उसको चलना है उसमें डीजल की चोरी। सबसे बड़ी चीज हमें लगती है कहीं ना कहीं डीजल और बिजली की चोरी, या जो कह लीजिए पंप नहीं चलाना, क्योंकि पंप हाउसेस में भी जहाँ उनको डाइवर्ट करना है, चीज़ें इकट्ठा करके सीटीपी की बनना है, वहाँ पर डाइवर्जन ज़्यादा दिखता है। एक संपेल है कानपुर में, मैं बहुत सारे संपेल हैं, एक संपेल है जिसमें 3 जेनसेट लगे हुए हैं जो 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। 1 घंटे में 60 लीटर डीजल का खर्च होता है और उसकी लॉगबुक जिलाधिकारी से अप्रूव होती है, यानी जिलाधिकारी को मालूम है कि वो एक भी संपेल नहीं चल रहा, एक भी जेनसेट किसी भी दिन नहीं चलता, और वो पूरा डीजल जिलाधिकारी की कंसेंट से सारा कुछ गायब हो जाता है। तो
सोल्यूशन कहाँ है, क्या भ्रष्टाचार निवारण ही सोल्यूशन है गंगा का, कि इसके सिवा कुछ और आप देखते हैं, इस पर बताएंगे? इसमें केवल माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। माइंडसेट किसका? इंडस्ट्री वालों का, प्रशासकों का, कि कानपुर के नागरिकों का, तीनों का। प्रशासन को करना ये होगा कि उसको अपनी जो तय जिम्मेदारी है उसको निभाना होगा। इंडस्ट्रीज को अब हमें लिमिटेड करना पड़ेगा कि कितना पानी हम आपको दें और कितना पानी हम डोमेस्टिक खर्च के लिए लें। गंगा की एक सीमा है, हमें एक राशनिंग करनी होगी पानी की कि कितने कितना हजार करोड़। तो यहाँ पर मैं आप थोड़ा सा बता दूँ, जो सरकार के इस समय जो प्रयास हो रहे हैं या जो प्रयास इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से वो कर रहा है, वो सबसे पहले वाटर बैलेंस टेस्ट कर रहा है कि कितना पानी आपने लिया, कितना पानी छोड़ा, कितना यूज किया। और इसीलिए हो रहा है कि इफिशियंट टेक्नोलॉजी ऐड करें जिससे पानी का कम से कम प्रयोग हो। दूसरा, ट्रीटमेंट की बात भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हर स्टेप पे चोरी हो रही है। कोई आदमी कह रहा है कि मैं प्लांट 8 घंटा चला रहा हूँ, लेकिन हो सकता है वो 20 घंटा चला रहा हो। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री की तरफ से ये है कि वो ओवर प्रोडक्शन करने के चक्कर में, ज़्यादा मुनाफा करने के चक्कर में वो गंदे केमिकल यूज करते हैं और पानी ज़्यादा यूज करते हैं। दूसरा, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या प्रशासन है, वो CETP को कायदे से नहीं चलाता, जल निगम पंप को नहीं चलाता, ये उसकी गलती है। और तीसरी गलती शायद कानपुर के नागरिकों की है कि वो वहाँ खड़े क्यों नहीं होते, वो उनको मजबूर क्यों नहीं करते कि आप CETP से बाईपास कैसे कर सकते हैं। एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है कि चाहे शोधित हो या अशोधित हो, किसी भी तरीके का जल गंगा में नहीं मिलाया जाए। अगर ये ट्रीटमेंट का ट्रीटेड वाटर भी है तो ये भी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज रिसाइकिल किया जाए। और कतई किसी भी दशा में या खेती के यूज में आप लीजिए, आज कानपुर के किनारे के 48 गांव हैं जिनके क्रोमियम युक्त पानी की सिंचाई की वजह से उनकी जो फसल है वो सब खराब हो चुकी है। जिन गांवों में फूल की खेती होती थी उन गांवों में गुलाब का पौधा नीचे से गल जाता है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, बहुत से लोगों से मैं मिला जिनकी उंगलियां उस पानी में काम करने से गल चुकी हैं। पेट की जो बीमारियाँ हैं और जो स्किन की बीमारियाँ हैं वो उनको जन्मजात हो ही गई है। तो क्या आपने कभी देखा है कि ग्राउंड वाटर में यहाँ पर क्रोमियम है? ऐसा भी कोई उदाहरण है? क्रोमियम है। चलिए अब हम मान लिए, एक बात हमने मान लिया कि उद्योग धंधों को JLD पे जाना चाहिए, सरकार का प्रयास भी हो रहा है, जीरो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन क्या आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, सीवेज को उसका गुनाहगार नहीं मानते? क्योंकि कानपुर जैसे बड़े शहर में हमें लगता है कम से कम 600 MLD सीवेज रोज तो क्रिएट होता होगा, क्योंकि बनारस में 400 MLD होता है, तो मुझे अंदाज लगता है। तो इतना बड़ा सीवेज आप कितना जानते, कितना ट्रीट होकर गंगा में जाता है, कितना अनट्रीटेड जाता है? टोटल अनट्रीटेड जाता है। डोमेस्टिक जितना भी है वो तो हम टोटली भेज रहे हैं, केवल हमने जो टेनरीज हैं वहाँ पर हमने STP लगाया हुआ है। वो तो मान लीजिए औद्योगिक जल के लिए हो गया। इन्होंने ये कर भी रहे हैं, जो कुछ वो केवल नाटक वो मिक्स कर रहे हैं। यहाँ CETP में थोड़ा सीवेज और इसको मिक्स करते हैं। तो अब जरूरत है कानपुर के जागरूक नागरिकों का कि कोई भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बने वो JLD हो, कोई भी कॉलोनी बने वो JLD हो, कोई भी मल्टीप्लेक्स बने वो JLD हो। अगर हम इंडस्ट्री पे जोर लगा सकते हैं तो हम समाज पर क्यों जोर न लगाएं? और अकेला मकान वाला है तो वो सेप्टिक टैंक बना के केवल ओवरफ्लो क्यों न भेजे? एक इसमें मेरा एक सुझाव और है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्लांट उनको JLD के साथ बनाना चाहिए, उद्योग को भी, और साथ साथ सारे सारे मल्टी स्टोरेज। बिल्कुल। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजेस, कितना यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको रिचार्ज भी करना पड़ेगा। 300 स्क्वायर फीट से ज़्यादा बड़े मकानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नियम है, लेकिन विकास प्राधिकरण इसको कड़ाई से लागू नहीं करवा रहा है। तो विकास प्राधिकरण को, नगर महापालिका को, उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को या केंद्र को मजबूर करने का काम तो शायद हम लोगों को। तो हमें लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा और बात नहीं करने को रह गई, जागरूक होने की जरूरत है नागरिकों को, जगाने की जरूरत है प्रशासन को, और जागरूक करने की ज़रूरत है इंडस्ट्री वालों को कि केवल प्रॉफिट से और केवल सफलता से यह देश नहीं चलेगा। यह देश तब चलेगा जब सस्त श्यामला धरती होगी, जब कलकल बहती हुई नदियाँ होंगी और सुंदर चहचहाते हुए जो चिड़िया और जानवर होंगे, तो शायद हम जी पाएँ। मरी हुई जिंदगी जीने से बेहतर है कि हम सुधरें, खुद सुधरें और जग को सुधारें। धन्यवाद, आपके साथ थोड़ी सी चर्चा हुई और मैं चाहूँगा कि इसका दूसरा हिस्सा एक जनरल पैनोरमिक डिस्कशन हो, जहाँ बनारस भी हो और कानपुर भी हो और थोड़ी और बात हो।